हेलो एवरीवन, मैं हसन अली भारतीय आर्ट हैंडीक्राफ्ट से आज आपको दिखाने वाला हूँ एक बेडरूम सेट। टुडे आई हैव टू शो यू अ बेडरूम सेट इन विच आई हैव अ वन बेड, टू साइड स्टूल एंड वन ड्रेसिंग टेबल। फर्स्टली वी टॉक अबाउट बेड। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ बेड की। बेड की जो साइज़ है वो किंग साइज़ बेड है ये, और जो किंग साइज़ बेड का साइज़ रहता है वो रहता है 6 feet by 6.5 feet मैट्रेस साइज। और जो इसकी हेडबोर्ड की हाइट है टोटल वो है 6 feet। फुटबोर्ड की जो टॉप नॉच तक हाइट है वो है 2 feet। और जो आपको बॉक्स की हाइट मिलती है वो है 18 inches, उसके ऊपर मैट्रेस आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाइड्रोलिक बॉक्स है। इसके अंदर हमने जो यूज़ किया है वो हाइड्रोलिक यूज़ ये किया है, जो काफ़ी ईजी ओपन होता है। और आप साइड स्टूल देख सकते हैं, काफ़ी ही अच्छे हैं। 3 drawers दिए हैं हमने साइड स्टूल में, और साइड कार्विंग भी है। जो साइड पैनल है इसमें हैवी कार्विंग है, उसकी मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा। मैं अब दिखा देता हूं आपको साइड टेबल की drawers। आप देख सकते हैं इसकी लेग, हर चीज़ देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा बना है ये। साइड स्टूल की मैं आपको साइज़ बता देता हूँ, इसकी 2.5 feet हाइट है, 21 inches डेप्थ है, और फ्रंट भी इसका 21 inches है। आप देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल, मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। जो इसकी लेंथ है वो है 5 feet, 18 inches डेप्थ, और जो टोटल हाइट है फ्रेम सहित वो है फ्रेम के साथ इसकी 7 feet, और जो नीचे का बेस है वो अलग है और फ्रेम अलग है। बेस की हाइट 2.5 feet है, 2.5 feet, और जो टॉप तक है वो 7 feet है। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे का बेस, इसके अंदर स्टोरेज पार्ट है। इसके अंदर 4 drawers दिए हमने, 4 drawers ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में दिए हैं हमने स्टोरेज कंपार्टमेंट है। नीचे की साइड में डोर्स हैं, उन्हें खोल के आप सामान रख सकते हैं, और इजी ओपन है, और कुछ भी असेंबलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए वो हो जाएगी, क्योंकि कस्टमाइजेशन अवेलेबल है भारतीय आर्ट हैंडीक्राफ्ट। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमने जो इस पूरे सेट के अंदर लकड़ी यूज़ की है वो है A-grade teakwood, और A-grade teakwood एक बहुत ही अच्छी लकड़ी है, और इसको हिंदी में सागवान बोलते हैं, और अलग नामों से पुकारा जाता है अलग अलग शहरों में, साग के नाम से, सागौन के नाम से, सागवान के नाम से। और मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसी लकड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा इसकी ड्यूरेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आती है बनने के बाद, और काफ़ी ज़्यादा इस लाइफ टाइम चलती है ये वुड। हमने इसी वुड में ये बेड बनाया है, और ज़्यादातर हम इसी टीक वुड में बनाते हैं A-grade में। और जो हमने इसके ऊपर पेंट किया है वो है सिल्वर एंटिक सिल्वर पेंट विद हाई ग्लोस, आप देख भी सकते हैं इसका। और हमने जो कुल्टिंग डिज़ाइन दिया है बैक पे, ज़िगज़ैग डिज़ाइन को हम कुल्टिंग बोलते हैं, और जो प्लेन डिज़ाइन आता है वो कुशन हमने दिया है, और उसके अंदर हमने कुल्टिंग डिज़ाइन भी किया है विद अ डायमंड स्टोन बटन्स। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगता है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, काफ़ी कस्टमर पूछते हैं कि जो कुल्टिंग होता है उसके पीछे लकड़ी ही रहती है या प्लाई लगाते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, भारतीय आर्ट हैंडीक्राफ्ट में जितने भी बेड बनते हैं हमारे यहाँ पर, हम सब बेड में लकड़ी लगा कर देते हैं, ना कि वो खोखरा या होल होता है उसके अंदर या प्लाई होती है। हमारे सब बेड में आपको लकड़ी मिलती है, ठोस सॉलिड वुडन फर्नीचर बनाते हैं, इसी के लिए हम फेमस है, इसी के लिए सहारनपुर फेमस है, और कार्विंग के लिए सहारनपुर फेमस। अगर आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट हो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हमारी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है, और ग्लोबली भी शिपिंग अवेलेबल है। तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो और कमेंट करके बताइएगा हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।
We'll be right back.